ग्रीन कारपेट पे, हमेशा रेड कारपेट पे चली हैं, आज ग्रीन कारपेट पे हाँ, सबसे पहले प्रणाम करना चाहूँगी अपने सभी भोजपुरी दर्शकों को एंड सभी दर्शकों को। अब बहुत ही ब्लेस्ड, मैं पहली बार अभी तक के करियर में ग्रीन कारपेट पे खड़ी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसका भी कुछ मतलब है। तो उस मतलब का जब मुझे पता चला कि अच्छा ग्रीन का सिंबल ये है, हालांकि नॉर्मली होता है लेकिन कभी कभी शो में कभी हम कलर्स यूज़ करते हैं तो पता नहीं चल पाता, लेकिन यहाँ पे जस्टिफाइड है कि हाँ ग्रीन इस सिनेमा अवार्ड में जस्टिफाइड है कि ग्रीन कारपेट पे हम खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण, नेचर का सिंबल है ग्रीन, और हमारा बस यही फोकस्ड है कि हम सब फोकस्ड हैं कि ग्रीन की तरफ रुझान हो और पेड़ पौधों की तरफ हो, ताकि हमारा वातावरण शुद्ध हो सके और जितनी पॉल्यूटेड हमारा जो इन्वायरमेंट है उससे हमें मुक्ति मिल पाए जहाँ तक हो सके। क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम है सांस की, अभी तक नॉर्मल लोग जिसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सब मास्क लेके घूम रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता, देख के लगता है कितना अनहेल्दी हो गया है आज के डेट में। जैसे कोरोना जैसी बीमारियाँ आ गई हैं कि सांस लेने की दिक्कत हो रही है हमारे देश में, जबकि प्लांटेशन की इतनी भरमार है। लेकिन वृक्षारोपण जितना हो सके बेहतर है हमारे लिए, ये मस्ट हो गया है अभी तो। प्लीज़ आप फॉलो कीजिए, और पेड़ जितना काटते हैं आप उसे दुगना और तीन गुना पेड़ लगाइए, यही रिक्वेस्ट है। ग्रीन सिनेमा अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और आपने इस अवार्ड में किस तरह की भूमिका निभाई है? इस अवार्ड से बहुत तैयारी हो रही थी काफ़ी टाइम से, और मुझे इनवाइटेड हालांकि था कि मैं परफॉर्म तो कर रही थी, लेकिन फिर मुझे अचानक पता चला कि मैं सबको वेलकम भी कर रही हूँ, सबको इस शो को होस्ट भी कर रही हूँ, और मेरा साथ निभा रहे संजय पांडे जी एंड धर्म जी एंड ऐसे कुछ लोग, दिग्गज लोग हैं जो मेरा साथ निभा रहे हैं। तो हाँ, और विष्णु शंकर बेलू जी जो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, वो शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं तो मैं उसका पार्ट हो पाई तो बहुत अच्छा। वही बात है कि मैं खुद एक महिला हूँ और मैं बहुत हमेशा इसके फेवर में रहती हूँ, और महिला दिवस आ रहा है, द वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो 18 मार्च मैं खुद एक लेडी हूँ, महिला हूँ, और मैं बहुत इसके फेवर में रहती हूँ कि सबको जितना सपोर्ट हो सके मैं करूँ। और यही है कि आप लोग से क्या है, मैं तो कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद ही महिला हूँ, लेकिन जो सामाजिक तौर पे आप लोग प्लीज़ अपने आसपास की जितनी लेडीज़ हैं, चाहे वर्किंग लेडीज़ हैं चाहे घर में हैं, सबकी इज्जत करना सीखिए। क्योंकि एक महिला को क्या चाहिए, आप उन्हें प्यार मत कीजिए चलेगा, लेकिन इज्जत करना सीखिए, चाहे वही महिला आपकी माँ है, बेटी है, बहन है, और जो भी आपके इर्द गिर्द काम करते हैं, चाहे वो कैसा भी समाज हो, समाज ऐसे ही डेवलप करेगा, इज्जत कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए। मैं अभी फिल्म की शूट अभी नहीं कर रही हूँ, बट अभी करने वाली हूँ नेक्स्ट। तो अभी जो शूट करके आई वो तुमसे अच्छा कौन है, वंश है एंड UP 64 है एंड बाप जी है एंड आगे और भी मूवीज़ हैं जो मैं बताऊँगी। हाँ जी, एक बार नहीं, शायद पहली बार आई हूँ, और मेरे अपोजिट हैं, और पहली बार इन द सेंस कि मैं उनके अपोजिट लीड कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड बाप जी बहुत प्यारी मूवी बनी है और बहुत सब्जेक्टिव है, तो किसी भी एक्टर के लिए हर मूवी स्पेशल होता है, पर ये मूवी मेरे लिए बहुत खास है। पवन जी के साथ आपकी मूवी हो गई, खेसारी जी के साथ, निरहुआ जी के साथ आपने किया है? हाँ किया है, मैं दिनेश जी के साथ। ज़रूरी नहीं कि आप लीड ही करें हर मूवी में, मैं हमेशा शुरू से रहा है, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और मुझे हमेशा सिखाया गया है कि कोई भी किरदार आप करें तो उसे बखूबी निभाइए, और दिनेश जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। अब मैं क्या बोलूँ, एक फैमिली मेम्बर की तरह है मेरे, और जो मैंने कैरेक्टर किया है उनके साथ मैं उसमें बहुत खुश हूँ। जिगर मूवी में मेरे भाई थे और पूरी मूवी मेरे ऊपर थी, और मैंने झट से हाँ बोल दिया, मैंने बिना सुने हाँ बोल दिया कि दिनेश जी हैं तो मैं करूँगी, और वो जैसा मैंने सोचा था उससे बेहतर वो इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, एक अच्छे कलाकार के साथ साथ। जिगर मूवी थी, और कभी भी मौका मिला मुझे छोटा छोटा रोल भी मिलेगा तो मैं उनके साथ करूँगी, या किसी के साथ, रवि जी हैं, क्योंकि सबसे मैंने बहुत सीखा है, जब मैं कुछ भी नहीं थी तो आप लोगों से सीखा है, लकीली लोगों ने मुझे हीरोइन बनाया तो मैं काम कर रही हूँ, बट आई लव ईच एंड एवरी कैरेक्टर, जो मुझे मिलेगा आई विल डू। जो फिल्में रिलीज होने वाली हैं उसमें से कौन सी फिल्म आपके ज़्यादा दिल के करीब है? दिल के करीब है सभी मूवीज़ हैं, क्योंकि सारी मूवीज़ बाप जी हैं, तुमसे अच्छा कौन अभी करके आई, तो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फुल टू जो आप देखेंगे ना, वंश है जो बहुत अच्छी अलग स्टोरी बन के आ रही है, बाप जी है, UP 64 भी बहुत अच्छी बन के आ रही है, लेकिन कहा जाए तो वंश एंड बाप जी।
मोस्ट स्पेशल। आपके लिए चयन करना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं ना, वो अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जो फुल एंटरटेनिंग के साथ साथ जस्टिफाइड है, जो ऑडियंस देखेगी तो कहेगी यार ऐवी स्टोरी नहीं है, एक अलग स्टोरी आ रही है जो फैमिली ड्रामा है और उसका एक मैसेज जाता है आप तक और फुल एंटरटेनमेंट है, तो और क्या चाहिए ऑडियंस को? मतलब कह सकते हैं कि अब तक आपने जितने सिनेमा किए हैं जो रिलीज होने वाले हैं, उससे भोजपुरी सिनेमा का दिशा में बदलाव होगा। हाँ। और जो भोजपुरी सिनेमा के ऊपर ठप्पा लग रहा है। हाँ। वो काफी हट जाएगा। राइट राइट, अभी तक मूवीज में मैं कह सकती हूँ, अभी तक क्या मैंने ऑलमोस्ट मूवीज मेरी कहीं कहीं 1-2% ही ऐसी होंगी जो कॉन्सेप्ट वाइज कहीं डगा डगा मॉल हो गई होंगी क्या, तो लेकिन कहा जाए तो मेहंदी लगा के रखना से मेरी शुरुआत हुई जो कॉन्सेप्ट वाइज मूवी है, संघर्ष हुई, बागी, एक योद्धा, और उसके बाद ये मूवी आ रही है मेहंदी पार्ट 3 भी आ रही है मेरी रिलीजिंग पे, सॉरी भूल गई थी, मेहंदी पार्ट 3 भी रिलीजिंग पे है जो बहुत अच्छी मूवी आ रही है, और इसमें मैंने छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस किया है लेकिन बहुत स्पेशल मूवी है, और मैं थैंक यू कहूँगी निशांत जी को भी, बीच में मैं डाल रही हूँ पॉइंट कि निशांत जी की पहली मूवी, प्रशांत निशांत जी की पहली प्रोडक्शन मूवी है एंड आई एम ब्लेस्ड कि आपने मुझे इस फिल्म का पार्ट बनाया, तो आप जो मूवीज़ आप सब बना रहे हैं सभी मेरे प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स को थैंक्स है कि आप दिमाग आप दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि अच्छी मूवी हम प्रेजेंट करें, दैट्स वाई इंडस्ट्री को अच्छी मूवी मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।